आज संजय निषाद एक्सपोज होंगे। जो अखिलेश से करे दगा वो योगी का भी नहीं हुआ सगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको संजय निषाद ने ठगा नहीं। एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद एक्सपोज हो चुके हैं। उनका असली कैरेक्टर लोगों के सामने आ चुका है। चुनाव जीतने के लिए थाना फूंकने को तैयार है संजय निषाद। ऑर्डर मिल चुका है, मर्डर करने के लिए भी तैयार है। इतने में भी उनके कार्यकर्ताओं का हाथ जरा भी नहीं कांपने वाला। बाकी सरकार आई तो मुकदमे वापस हो ही जाएंगे, जैसा अक्सर होता रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि चैनल के खुफिया कैमरे पर संजय निषाद ने कौन कौन सी बातें कही हैं। रिपोर्टर ने उनसे सबसे पहला सवाल पूछा, इस बार क्या लगता है आपको? संजय निषाद का जवाब आया, मामला 50-50 का है, हम जिधर जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी, हम और ब्राह्मण। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा, तो ये सपा कुछ कर रही है आपको, उधर से पिच नहीं कर रही है? संजय निषाद का जवाब आया, हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे हैं। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा, आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? संजय निषाद ने जवाब दिया, वही 8-10 सीट देना चाहती है। रिपोर्टर ने फिर पूछा, कुछ ऑफर नहीं किया? संजय निषाद ने कहा, 35 सीट हमने कहा था अमित शाह जी से, 3500 देंगे, घटाएंगे तो लोग कहेंगे उम्मीदवार करवाओ उनके सिंबल के, जितना घटाएंगे उतना कहेंगे हमारे लोग। रिपोर्टर ने फिर पूछा, मैंने जो बात किया कि ये 35 सीट क्या कंफर्म है? संजय निषाद का जवाब आया, 25-30 मिलेगा हमको। रिपोर्टर ने फिर सवाल पूछा, और कितने सिंबल से लड़ेंगे? संजय निषाद ने कहा, अगर वो 35 दे देते हैं तो 15 उनकी सिंबल से लड़वाएंगे हम, 30 देते हैं तो 10 लड़वाएंगे, अगर 25 करते हैं तो 5 उनकी सिंबल से लड़वाएंगे और 15-20 हम अपने सिंबल से लड़वाएंगे। यहाँ तक सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि संजय ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आगे जो वो बोलेंगे उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्टर ने पूछा, इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाली है। संजय निषाद का जवाब आया, तो हमारे लोग तो ऐसे ही थाना फूंकने वाले हैं, हमसे बड़ा गुंडा कौन होगा? रिपोर्टर ने पूछा, कैडर है आपका? संजय निषाद ने कहा, बंदूक सब चलाएंगे, गोली मार के फेंक देंगे, मर्डर करके भी करना पड़े तो करो, मुकदमा वापस कर लेंगे। रिपोर्टर ने पूछा, मुझे लगता है कि यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। संजय निषाद ने कहा, दोनों करो या मरो कर रहे हैं ना, ये भी वो भी। रिपोर्टर ने पूछा, आर पार की लड़ाई है, अभी जिला पार्षद वाले में देखिए ना। संजय निषाद ने कहा, हमारा कुछ काम करो। रिपोर्टर ने कहा, बताइए ना। संजय निषाद ने कहा, जैसे हमारे कार्यकर्ता 29, 30 और 31 को रहेंगे, एक दिन आप चलकर सर्वे कर लेना, इंटरव्यू ले लो, क्या कमी है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जैसा हो हमें बता दो, आप बोलोगे तो नहीं करने वाले हैं, हम ही कहेंगे तो करेंगे, यही बात उन्हें पढ़ा दिया है। यानी संजय निषाद कोई पार्टी नहीं, बल्कि ऐसा कह रहे हैं जैसे वो आतंकी संगठन चला रहे हों, ये तो महज ट्रेलर है। अभी संजय निषाद यानी वोट कटुआ नेता की कुछ और सच्चाई आपको बताएंगे, जिसे सुनकर दंग रह जाएंगे आप।